दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज भाई 30 सितंबर 2023 सरकी दादरी अनाज मंडी में पहुंच गए भाई। तो साथियों भाई, सब तो पहला है बता दें भाई, बाजरे की खरीद चल रही है और लंबी लाइन लाग रही है भाई किसाना की सरकी दादरी गेट पर। ट्रैक्टर की लगभग भाई 1.5 किलोमीटर की लाइन लाग रही है और 2 गेट हैं, तो दोनों गेट अप है, लाइन है भाई। तो कल भी लंबी लाइन थी रे भाई, परसों भी लंबी लाइन थी। तो भाई भिवानी तो फिलहाल लंबी लाइन है को नहीं भाई, उड़ा तो उस सीधे आ जाए हैं भाई, कटवाई टोकन गिर जा है, इस साइड ज़्यादा लाग रही है भाई लाइन। तो सब तो पहले भाई बता दें, कई साथियों के मैसेज आवे हैं भाई कि बाजरा भाई, कोई नु पूछा भाई मेरे 10 किल्या का बाजरा था, मेरा पास हो रहा है 2 किल्या का, किसी का 11 किल्या का था, 8 क्विंटल पास हो रहा है। तो भाई देखो, ये तो भाई जो जिसने पास करने वाले थे उनने की गड़बड़ है भाई, जिसने के करया हर के नहीं करया है वो तो वही जाना भाई। रही गड़बड़ की ठीक करने की बात है, तो भाई ऑफिसा के चक्कर काटने पड़ेंगे अपने भाई। और देखो ठीक हो कि ना हो वो तो भाई उन पर डिपेंड करा है। कई साथी मैसेज भेजे हैं भाई, तू जवाब को नहीं देंदा, जवाब को नहीं देंदा। तो भाई के जवाब दूँ भाई, परसों बैनी की वीडियो में एक किसान नु दुखी हो के आ रहा था भाई, कमेटी में जा रहा था, कमेटी वाला ने कह दी भाई उड़ा जा गया, उड़ा जा गया, उन्होंने कह दी भाई वो दूसरी जगह जा। तो भाई वो तो देखो भाई कि किसी का भाई ऑनलाइन हो रहा है, तो जड़ा भाई यो टोकन कटे हैं उड़ा देखा नहीं रहा कंप्यूटर भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई के गड़बड़ है या उस चीज़ का तो भाई फिलहाल पता को नहीं के हर के नहीं भाई। जो सरकारी खरीद पर बाजरा खरीद हो वो उसके 2500 रुपये का रेट है भाई, तो 2200 तो भाई शायद 71-72 भाई 72 घंटे के भीतर दे देंगे, और जो 300 रुपये हैं भाई उनका बाद में पता चला भाई कितने दिन में आओगे। तो नू करके 2500 रुपये क्विंटल का रेट है बाजरा का। जो प्राइवेट में बाजरा बिका है उसकी बता दें आपने, प्राइवेट में बिका है भाई 2050 रुपये। तो कई साथी, एक साथी पूछ रहा था कि भाई मैंने ऑनलाइन गाँव में भेज दिया किसी कारणवंश भाई, तो उसके भावांतरावा का नहीं आओगा। तो भाई पिछली बार तो शायद किसी ने भी कितने बेचा हो जिसका ऑनलाइन था उसका भावांतर आ गया था। तो भाई देखो इस चीज़ का कोई बेरा नहीं होता कि वो तो सरकार पर डिपेंड है भाई, दे है कि नहीं दें दी। तो भाई इनका ज़रूर आओगा। अरे भाई इनमें भी पहले पिछली बार रह गए थे कईया के भाई, कई किसान नुके थे भाई मारा नहीं आया, मारा नहीं आया, तो कईया के आ जाएंगे, कईया रह भी जाएंगे भाई, इसे इसी भी बन सके है भाई। तो बाजरा प्राइवेट में 2000 और भाई भावांतर 300 रुपया हुआ भाई। जिनका 2100 बिक रहा है, जिनका 1950 रुपये बिक रहा है, उनका भी 300 रुपया हुआ। पिछली बार 2 रेटा में आए थे भाई बाजरा के भावांतर, तो इब का कोनी आओ भाई, इब का तो 1K में आओगा, 300 रुपये फिक्स है, 300 रुपये भावांतर के। सही आपने 1950 बेच रखा और सही वो 2000 बेच रखा हो, तो फिक्स 300 रुपये आओगे भाई इब का। तो साथियों भाई चरखी दादरी मंडी में भाई नरमारी है और बाजरा खूब आन लाग रहा भाई, दबादब किसान ना की पूरी लंबी लाइन लाग रही है। और भाई सबसे पहले यह नरमा तुला है भाई, एक बार या नरमा दिखा दें। हाँ भाई बंधन लाग रही है नरमा, तो ये देख लो भाई, तो भाई आपने बता दिया। हाँ नरमा भाई और डाउन आ गई कल तक। तो साथियों एक बात बताऊं भाई, देखो नरमा की बा ऊपर तो चल रूई थे इंटरनेशनल मार्केट उड़ा तो निकल है भाई बा, कोई भाई आड़ती घर तक नहीं बनाते बाया ने। तो नरमा जो कल 7140-75 रुपये बिकी थी, वह आज घटकी भाई 7970 रुपये बिकी है चरखी दादरी मंडी में। तो भाई और टूट गए लगभग, नू लगा लो भाई 80 रुपये और टूट गए भाई नरमा में।
तो भाई नीचा ही ना लाग रही है जिस टाइम शुरुआत में नरमा भाई 64-65 सौ तो ऊपर उठी थी भाई, या 675-77 सौ के पास जाली थी, तो भाई वापिस नीचा ना लाग रही है। तो आज चरखी दादरी में भाई नरमा 6970 रुपये बेची है भाई, ऊपर की डेरी नीचे में 6000-5500 रुपये लगा लो भाई। नीचे के कई साथी नुकेंगे भाई नीचा भाग को नहीं बताता, नीचा का कोई भाग को नहीं होता भाई, नीचे में केवरा किसा माल आ गया और भाई केवरा मन जो भाव बताया है उस तो भी नीचे बिक गया। तो फिर नुकोगे भाई तने तो नीचे का भाव बताया था हमारा उस तो भी नीचे बिक गया, तो नीचे के भाव को नहीं आकर भाई 100-200 ऊपर नीचे 100-200 हो जाए ना भाई नीचे, मान ले मैंने 6970 रुपये आज का ऊपर का भाव बताया है तो नू लगा लो भाई 6700-6800 भाई 6970 भाई 38 की बिक जाए अगर भाई। देसी कपास का बाजार बता दें आपने तो एक बार मंडी में घूम दे देखांगे भाई। देसी कपास का बाजार है भाई आज 6871 बरवाड़ा मंडी का, बरवाड़ा मंडी का है भाई। देखो दादरी मंडी में झूठ बोलन मत कि मेरे को नहीं आंदा फिलहाल आड़ आंदी को नहीं देसी कपास, और बरवाड़ा मंडी के हैं भाई देसी कपास का 6871 रुपये। और आदमपुर का देसी कपास का भाव है भाई 2725 रुपये। तो ये देख लो भाई सरकारी खरीद पर भाई कट्टे भरे जान लाग रहे हैं बाजरे के। और भाई सरसम का बाजार बता दें आपने, सरसम भाई उड़ाई रुक रही है, कोई भाई 40-50 ऊपर हो जाए कोई 40-50 नीचे हो गया है, तो 40 लैब का बाजार है भाई 552-500 रुपये, 552-500 रुपये है 40 लैब का। और भाई नॉन लैब जो जिसमें 37 लैब हुआ है उसमें नॉन लैब बोलते हैं भाई, उसका भाव भाई 4800-4850 के आसपास चल रहा है भाई। तो ये दिखा दें भाई किसान आन लाग रहे हैं भाई अपना बाजरा ले लेगी, लंबी लाइन है भाई पीछे गेट पे, गेट नंबर 2 है भाई यो। तो भाई 40 लैब 552-500 रुपये और नॉन लैब भाई 4800-4850 रुपये भाई। गुवार का बाजार बता दें भाई, कल जो भिवाणी में एक डेरी बेकी थी, एक के डेरी बेकी थी भाई गणेश उतरी थी बोली लागी थी उड़ा पे क्या था कल 5500 रुपये भाई। और आज के बाजार हैं भाई गुवार के 4500 रुपये तो लेके और 5350 रुपये भाई बाजार गुवार का। तो भाई गेहूं के बाजार बता दें, गेहूं का बाजार है भाई 2300 रुपये दड़ा क्वालिटी भाई, माल माल दे क्या था बढ़िया आ रहा तो भाई 2300 भी चलिया था भाई। और बाजरा 2050 रुपये बिक गया है भाई प्राइवेट में। मेथी की बात करें तो मेथी के भाव उड़े रुक रहे भाई 6000 रुपया तो लेगी और 7000 रुपया थी भाई। भाई जो की बात करा तो जो में भाई तेजी है जो 1700 तो लेगी और 1800 रुपये के बाजार चल रहे हैं भाई जो के। ए भाई ये डेरी और देखांगे नरमा की तो दबा दब दबा दब भाई ढूल आगन लाग रहे हैं बाजरे के। तो भाई एक बार यह दिखा दिया नरमा, यह 7000 रुपये की है भाई, तो मेरे ख्याल में ऊपर तो ऊपर के बाह हाँ जी ये टॉप का बाह है। एक बार किसान तो बात करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। नाम के भाई साहब अपना? सतीश कुमार गांव बलखरा भाई। अच्छा तो के भाव बिकिया? या 7000 रुपये की है भाई। 7000 तो ऊपर है आज का भाई हो? आज को टॉप को बा खचकी खचकी जी। तो कै किल्ला में बोरे हो नरमा? तो एक किल्ला में थी भाई। तो कितनी औसत लकड़िया होगी? औसत हल्की लकड़ाई भाई। इनका माड़ी ये है? माड़ी बारिश को नहीं हुई लास्ट में। बारिश को नहीं हुई। कौन सा बीज बोरिया क्या भाई साहब? यो भाई US 51 है। अच्छा US 51 है। तो लगभग किल्ले की कैमन की औसत आ जाएगी?
किला की भाई चार एक कुंटल की औसता होगी, चार दुनी आठ दस एक मना होगी बस। बस इतनी तो किमे भी कौन लकड़ी है, कुछ भी नहीं लकड़ रही। उखेड़ा खागी के सुंडी आगी, तो सुंडी भी थी भाई, फिर तिस भी आ गई, दोनों डाल की दिक्कत थी जी। तो के कारण लग गया, क्यों बीज में फर्क लग गया अपना भाई, इस बीज में कीड़ा को नहीं बीज में तो कोई खास फर्क को नहीं भाई, कीड़ो तो लगभग पाओ कोई सा बीज हो, कोई सा हो लगभग कि में फर्क लग गया भाई। जमींदार ने इस तरीके से एक आधा किला ऐसा भी बच रहा हो जिसमें कीड़ा नहीं भाई, हमने तो नहीं लागे मार लाम तो नहीं, और अड़ोसी पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी का ही बतावे है, सब का ही है यो हाल का, तो एक आधा बच रहा कोई। हाँ बस कोई भाई देवे जो को नहीं लग गया, दो बाड़ी छिद्दी है छोटी है, उसमें छिद्दी छोटी में वो हाल है, वो हाल है, वो हाल है। बीज का भी कोई फर्क नहीं, कोई बीज का फर्क नहीं, 19-20 को फर्क रहे इसके, बस बस नहीं बात डया है लकड़ा है भाई जी। तो फिर किसान का नुकसान नहीं होने लग रहा है, नुकसान पर नुकसान होने लग रहा है, नुकसान पर नुकसान है, भा भी नहीं मिलया, भा भी टूट गया, भाया का पास या है मतलब 7700 दे के गया था हम, हाँ हाँ अभी 7000 आ गई। हाँ तो बताओ नू लगा लो, 700 रुपये टूट गए क्विंटल पे, 700 रुपये और चुगाई वाई चल रही है, चुगाई वाई भला कुछ तो भी महंगी महंगी। हाँ। के भाव चुगवाओ हो, ये 20 रुपये किलो, अच्छा 2500 100 रुपये दड़ी, तो भाई 2000 क्विंटल का हो गया, आराम से सही बात, चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद, राम राम भाई। तो साथियों भाई किसान से बात करी भाई, और निर्माण लाग रही है, मूंग के बाजार 6000 रुपया से लेके 8000 रुपये क्विंटल, चना 6100 6200 6000 से लेके 6200 रुपया ती का बाजार चल रहा चने का। नरमा बरवाला बैकी है भाई 7140 रुपये, तो भाव टूट लिए भाई, टूट दे जान लाग रहे हैं रोज़ रोज़ 70-80-50 रुपये टूट दे जा हैं। तो साथियों भाई लगभग बाजरा और भाई थोड़ी बहुत निर्माण लाग रही है फिलहाल, एक बाजरा पर जोर है ये दिखा दिया आपने। तो साथियों भाई पूरी मंडी का दौरा लगा दिया, बाबस या तो खचकी बिक्री है जम्मा खचकी, नहीं तो नू लगा लो बाजार आज भाई 6970 रुपया का है भाई। तो साथियों भाई ये थी चरखी दादरी अनाज मंडी की वीडियो, इसके बाद बनावांगे आप भिवानी अनाज मंडी की। तो भाई कमेंट में लिखा करो भाई किसा वीडियो तो किमें फायदा हुआ है कि नहीं होता भाई, बढ़िया बना है कि नहीं बनती। तो साथियों भाई कल फिर हाजिर हो, कल तो भाई फिर संडे है, कल खेतीबाड़ी की वीडियो बनावांगे आप, सरसम की वीडियो बनावांगे, सरसम का कौन सा बढ़िया बीज है और भाई किस तरीके से भाई सरसम बोनी चाहिए, के डालना चाहिए, किस किस टाइम डालना चाहिए भाई, इस चीज़ पर वीडियो बनावाएँ कल, एतवार है संडे है। तो साथियों भाई कल खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी लेके हाजिर होवांगे भाई, वीडियो ने ज़रूर देखियो और भाई उसमें कोई कमी हो भाई, भाई हाँ और कोई सा बढ़िया बीज लागदा हो तो उस बारे में बताइयो भाई। तो अपन इजाज़त दो भाई, नमस्कार।